आखिर क्यों लग रहे हैं आरोप और मानने को तैयार नहीं बाबा बागेश्वर का पर्चा की बात। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं हरी राम। आज हम आपको बताएंगे क्या आका का बात को लेकर चल रही है हिंदुस्तान में कुछ मीडिया वाला। आज हम बात करेंगे क्या आके को इशारे पर चलती है यह दुनिया में, इस हिंदुस्तान में बाबा को लेकर आरोप। दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि आखिर बाबा जो अपने आप को समझ रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ क्या वो सही है या गलत है, क्या वो माइंड रीडिंग है, क्या वो माइंड से और क्या वो जादू टोना से काम करता है। हम बात कर रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम धीरेन कृष्ण शास्त्री का। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले से ही इस मामले को लेकर बड़े बड़े मीडिया चैनल और बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े विद्वान, माइंड रीडिंग चल रही है, हर चैनल पर देख रहा हूँ तो ये चल रहा है। मगर इसके बारे में अगर बात कर ले तो बाबा चुनौती को चुनौती से स्वीकार कर रहा है। बाबा जो चैलेंज कर रहा है उसको चैलेंज से स्वीकार कर रहा है। इसका कारण ये है कि बाबा क्या सही है और अपने आप को सही कह रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दावा तो कर तो रहा है बाबा, मगर माइंड रीडिंग वाला जो खोपड़ी का तेज, और वो कहता है कि ऐसा हर कोई कर सकता है, वो हर कोई सीख सकता है, मगर ऐसा क्या ये सही है? बाबा बागेश्वर धाम जो अपने दरबार में करता है क्या वो सही है? इसी के बारे में हम वीडियो देखा बाबा बागेश्वर धाम का, और इसमें बाबा ने चुनौती और चैलेंज सीधा सीधा स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करने के साथ साथ अपना ही ताल ठोक कर कहते हैं कि ये हमारा चमत्कार नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है, ये बालाजी महाराज का है जो उनके कृपा और उनके आशीर्वाद से ये हो रहा है। दोस्तों बालाजी महाराज के ऊपर जो वो विश्वास करते हैं, उनका जो भक्त है, उनको ऊपर जो एक आशीर्वाद होने के कारण जब वो कहते हैं कि जब दरबार में हम अपने सीट पर, यानी कि जो उनका स्थान है उस पर बैठते हैं, तो ऑटोमेटिकली बाबा का इशारा करना स्टार्ट हो जाता है और जो उनको बुलाता है वही रहता है। तो दोस्तों बागेश्वर धाम महाराज को लेकर आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।